नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये आपका अपना शो है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, आप अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग इश्यूज पे, जिंदगी के अलग अलग बातों पे एपिसोड्स लेके आते हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है। आप यकीन मानिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको उपाय याद हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम घर पे ही कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ा। अब भी कुंडली के हिसाब से उपाय होंगे ना, जब आप अपने आप ही डॉक्टर बन जाएंगे और खुद ही दवाई लेना शुरू कर देंगे तो फिर हमेशा ठीक होंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी फ़र्क पड़ भी जाता होता है। लेकिन कुछ जनरल उपाय ऐसे हैं जो वाकई में लोगों के काम आए हैं और हमें अच्छा लगता है ये कॉल्स लेके कि हम ठीक हो गए हैं और ज़्यादा ठीक होना चाहते हैं, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहते हैं और चाहते हैं कि जेब में, बैंक में हमेशा पैसा बना रहे, कारोबार में बरकत रहे। तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपको आधा जो है समाधान वहीं पे मिल जाएगा जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। प्रोफेसर साहब फ़ोन नहीं उठाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, उनका स्टाफ फ़ोन उठाएगा और वही आपको अपॉइंटमेंट देगा उनसे मिलने की। तो जी, आज किस चीज़ पे है ये एपिसोड, ये आपको हम बताते हैं, लेकिन ये बताने से पहले हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर साहब का। बहुत देर वो वेट करते रहते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सवाल में ही आज का टॉपिक जो है वो हम ले लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब। अब बात ये है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर किसी के पास जो है वो चाहता है पैसा हो, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है अगर इंसान का कारोबार अच्छा नहीं हो। फिर कारोबार अच्छा हो तो इंसान चाहता है प्रॉपर्टी बने, तो फिर कारोबार अच्छा होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी नहीं बनती है। तो दो मुद्दे हैं आज के, एक कारोबार, दूसरा प्रॉपर्टी। एक तो लोगों का आज कारोबार सही करवा दीजिए, दूसरा उनकी प्रॉपर्टी बनवा दीजिए। जी बहुत अच्छा पूछा अपने जी आपने। आपने पूछा एक तो कारोबार ठीक हो जाए। अरे भाई, कारोबार ठीक होगा तो घर क्यों नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनेगी? बनाता हूँ, बताता हूँ उपाय, बहुत आसान उपाय होते हैं। लेकिन पहले कारोबार ठीक, फिर बाद में प्रॉपर्टी के आप ऊपर आते हैं। कारोबार किससे आता है? अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बुध ग्रह से आता है। शॉर्टकट में बता दूँ, कारोबार ठीक हो जाएगा, गारंटी है। बहन बुआ मासी की इज्जत मान सम्मान कीजिए, मिठाई का डब्बा दीजिए, आपका कारोबार चलने लगेगा, शॉर्टकट। लेकिन साइंटिफिक रीजन से बाद में, ये मैंने शॉर्टकट में बताया। चलो जी, अब एपिसोड ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि कारोबार के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टी के बारे में बता दूँ। प्रॉपर्टी बनानी है तो अरे मीठे चावल किसी भी धार्मिक स्थान पे दे आइए, मीठे और आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। चलो जी, अरे भाई जब तक साइंटिफिक रीजन से समझाऊँगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वाकई में हमारे शो का नाम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ ऐसे ही नहीं रखा गया। चलो बताता हूँ, जो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, जैसे मान लीजिए आपने कारोबार किया बीजों का, बीज गेहूं का, ज्वार का, कहीं का भी बीज, बीज का किया बुध के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन, यानी कि बुध आदित्य योग बनता है। अगर आपका सूर्य बढ़िया हो तो कर सकते हो भाई बीज का कारोबार। अगर आपका गुरु दशम घर में बैठा है तो आपने स्कूल विद्यालय खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल ली, अरे भाई बुध के साथ गुरु का मेल, पिता पुत्र का मेल बनता है, यूनिवर्सिटी स्कूल बहुत चलते हैं, कई दफ़ा फ्लॉप होते हैं। वो क्यों? क्योंकि बुध बाधक होता है, गुरु खराब होता है। वो बात की बात है आपकी कुंडली के मुताबिक कि आपने कौन सा कारोबार किया। अगर कहीं दूध का कारोबार किया, एक बात बताओ, दूध की बात आई तो बातों बातों में बता दूँ, दूध का काम सिर्फ और सिर्फ 100 में से 2 लोगों को फलता है, 98 लोग फेल होते हैं दूध और दही के काम से। लोगों ने करोड़ों का घाटा, लाखों का घाटा खाया है। क्यों? क्योंकि कुंडली दिखाई नहीं, दूध का कारोबार कर लिया। अगर कहीं दूध का कारोबार कर लिया, दूध के साथ बुध बिजनेस, दूध का बिजनेस, फिर क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। यानी कि मान लीजिए दूध में अगर कहीं नींबू डाल दे तो दूध का काम कारोबार सिर्फ 2% लोगों को फलता है, बाकी सब डूबते ही हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र और बुध का मेल आ गया। भाई क्या बात है, खराब कर लिया आपने। देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के मुताबिक कौन सा ग्रह बनता है। अगर कहीं आपने लकड़ी का बिजनेस कर लिया, लकड़ी कौन सी, अगर भाई चाइना से बनकर आती है लकड़ी, चाइना से बेड बनकर आते हैं, बड़े बड़े शोपीस बन के आते हैं, अलमारी वगैरह बन के आती है, तो वो क्या, कौन सा आता है, गुरु लकड़ी। और सुंदर बनी बनाई चीज़ शुक्र,
और फिर बुध, बुध शुक्र और गुरु का मेल, वो भी ठीक होता है। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, ज्ञानवान कॉम्बिनेशन है, ज्ञान आता है ऐसे बंदे को। लेकिन कभी कभार वो भी जब ठप हो जाता है, शुक्र खराब होता है बीच में, तो कारोबार खराब होता है। कारोबार देखना पड़ेगा कि अगर आप कारोबार कर रहे हो उसमें कौन सा ग्रह खराब कर रहे हो। अगर भाई कहीं करियाने की शॉप खोल ली तो वो किससे आता है, मंगल से। मंगल और बुध ज़्यादातर लोग डूबते ही हैं उधार दे के। वो क्यों? क्योंकि मंगल और बुध का मेल ही नहीं होता। हो सकता है कि आपकी कुंडली में दसम घर में मंगल कहीं बैठा हो, साथ में बुध बैठा हो, साथ में बुध सप्तम घर में बैठ जाए या बुध दूसरे घर में बैठ जाए, तो देखना पड़ेगा, कर सकते हो। लेकिन कुंडली के मुताबिक वो भी करियाना क्या करवाता है, ज़्यादातर उधारी में फंसा देता है। अगर कहीं कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली तो उससे शुक्र का मेल आता है भाई, शुक्र और बुध का मेल। अरे भाई कारोबार में तो बुध आएगा ही आएगा, ये भूल जाओ। ट्रेडिंग का काम, लिया और दिया, ट्रेडिंग के काम में बुध आएगा ही आएगा, और साथ में वो ग्रह आएगा जिससे आप काम करते हो। इससे क्या होता है, ज़्यादातर लोग डूबते ही है। क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र किसी का अच्छा नहीं होता, दोनों ग्रह भाई। एक शुक्र डूबा होता है या गुरु बुध डूबा होता है, या बुध अस्त होता है या शुक्र अस्त होता है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही सूर्य के इर्द गिर्द रहते हैं। 29 डिग्री में रहता है बुध, और शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा 60 डिग्री तक जाता है बस। दोनों ही इर्द गिर्द रहते हैं, इसलिए बंदे को बहुत कम कॉस्मेटिक का काम सूट करता है। अगर कहीं बुटीश का कर लिया, बुटीक का या बुटीशन का, तो शुक्र और बुध साथ में मंगल, कैंची। कैंची क्या काटती है? मंगल कपड़ा काटती है भाई। तो बुध क्या होता है? ट्रेडिंग का कपड़ा लिया और दिया बातों से, तो बुध बिजनेस में आएगा ही आएगा, साथ में शुक्र। इसलिए कभी कभार बुध और शुक्र क्या होते हैं, मंगल और शुक्र तो खराब होते ही हैं, कभी अच्छे नहीं होते। साथ में देखना पड़ेगा आपका बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। अरे भाई बहुत से कारोबार हैं, कपड़े की आपने दुकान खोली है, जेंट्स कपड़े की खोली है, लेडीज़ कपड़े की खोली है, रेडीमेड खोली है, कौन से आप काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो बताइए मुझे। दवाइयों का कर रहे हो, सप्लीमेंट का कर रहे हो, कपड़ों का कर रहे हो, रेडीमेड का, करियाने का, बेकरी का। बेकरी का काम भी मंगल और शुक्र और बुध से आता है। देखिए ग्रहों को जब तक आप समझते नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो तो सूर्य देखना पड़ेगा, राहु देखना पड़ेगा साथ में। कौन सा कारोबार करे, शोरूम खोल के बैठे हो, बड़ा शोरूम कपड़े का, शुक्र और क्या करना पड़ेगा, शुक्र और बुध को देखना पड़ेगा आपके। कौन सा जेंट्स का कर रहे हो, मंगल भी साथ में देखना पड़ेगा। लेडीज़ का कर रहे हो तो शुक्र भी साथ में, शुक्र तो है ही है। देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा कारोबार किया है। फोटोग्राफी कर रहे हो तो शुक्र और राहु का देखना पड़ेगा और साथ में बुध देखना पड़ेगा। कारोबार अगर सेट नहीं आ रहा तो वो आपकी कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा कि आप कारोबार को कैसे सेटल करते हो। लेकिन उसके लिए मात्र एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। कारोबार जो होता है बुध से होता है, गाय को आटे का पेड़ा दीजिए ना तो ठीक हो जाएगा कारोबार आपका। ये तो बहुत आसान उपाय बता दिया मैंने, बुध से आता है ना। अरे बुध से हरा चारा भी आता है, गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन। ये तो बाद की बात, ये मैंने मोटा मोटा बताया। बाकी कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक कौन सा कारोबार कर रहे हो, उसके साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है। अब बात आते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो शनि से आती है भाई। जितना भी मकान, कोठी, व्हीकल, जितना पहले मैं आपको बता दूँ, अगर खाली लैंड, खाली ज़मीन खरीदना चाहते हो तो वो मंगल से आती है। अगर ऊपर मकान बन गया वो शनि से आता है। अगर सुंदर मकान बन गया तो शुक्र और शनि दोनों से ही आता है। अगर ऊंची बिल्डिंग बना ली तो किससे आती है? सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, चार ग्रह आते हैं। अब देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक आपने सूर्य, शनि, शुक्र, मंगल चारों को ठीक करना है या सिंपल मकान लेना है या ज़मीन ज़्यादा लेनी है। अगर ज़मीन ज़्यादा लेना चाहते हो, अगर अपनी इमारत बनाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो मीठे चावल मैंने बता ही दिया आपको, गुरुवार के दिन देने हैं। अगर आप कहते हो कि मेरा घर नहीं बना, तो वो मैंने बताया था, 3 कुत्ते मिट्टी के घर में रखने से घर बनना शुरू हो जाता है, वो मैंने पहले बता रहा है ये। लेकिन अगर घर सुंदर बनाना चाहते हो, साथ में शुक्र देखना पड़ेगा आपका कि शुक्र कौन सी राशि में पड़ा है, शनि कौन सी राशि में पड़ा है। अगर शनि तीसरे घर में पड़ा है तो मकान नहीं बनने देता भाई। मकान तो बहुत बनाता है लेकिन मकान का सुख नहीं देता।
पंचम घर में शनि आ जाता है, तो अगर अपने मकान नाम पे मकान ले लिया तो बच्चे दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पे लाल किताब कहती है बच्चे खाने वाला सांप, पंचम में शनि आ जाता है तो। अगर कहीं छठे में शनि आ जाए तो कहते हैं अरे भाई बना बनाया मकान ही मिलेगा। अगर कहीं एट में शनि आ जाए तो मकान के सुख नहीं मिलेंगे। अगर कहीं दसम में शनि आ जाए तो कहते हैं भाई अगर आपने बनवा मकान बनाया तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। नौवें घर में भी शनि यही करवाता है, तीन मकानों के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। ग्यारहवें घर में अपने आप मकान आते हैं, बारहवें घर में दुखी करता है शनि। देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक आपने, ये मैंने घरों की बात की है अभी राशि की बात नहीं की, कौन सी राशि में पड़ा है तो कैसा होता है, कौन सा ग्रह अगर देख रहा है तो कैसा होता है। अगर केतु देख रहा है तो राहु के साथ बैठा है, पापी होकर बैठा हुआ है। अगर मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है तो मकान कभी नहीं बन पाएगा, सप्तम दृष्टि से फिर भी बन जाता है। मंगल की आठवीं दृष्टि बहुत खतरनाक होती है भाई, खराब करती है, बच्चा आने नहीं देती। अरे भाई मकान बनाना चाहते हो तो शनि को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बिजनेस में, जैसे मैंने बिजनेस में बताया, अगर आप बिजनेस ठीक करना चाहते हो तो बुध ग्रह, अगर आप मकान बनाना चाहते हो तो जमीन बनाना चाहते हो तो शनि ग्रह। कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक कौन से ग्रह पड़े हैं। जैसा कि मान लीजिए आप चाहते हो मेरी इमारत बन जाए, चलो साइंटिफिक रीजन थोड़ा सा समझा देता हूँ, वो तो मैंने ग्रहों की बात की है। अगर आप चाहते हो कि मेरा मकान बन जाए, आपके पास किराए पे रहते हो, पैसे भी नहीं हैं, मान लीजिए आप मेरे पास आए, पहले मैं कुंडली खोलता हूँ क्वेश्चन, फिर आपकी कुंडली, फिर उसके बाद देखता हूँ वर्षफल, क्या वर्षफल में शनि लगन में आया है। अगर वर्षफल में शनि लगन में आ गया तो आपका हाउस परिवर्तन होगा, आप किराए पे छोड़ के जाओगे जरूर। तो मैं इस हालात में मैं पता क्या बोलता हूँ बता दूँ, चलो बता ही देता हूँ। अगर चौथे घर में आ जाता तो मकान बनता ही है। जब कभी शनि लगन में आ जाता तो मैं बोलता हूँ आपकी मकान मालिक के साथ झगड़ा होने वाला है, आप मकान छोड़ोगे, सोने वाली जगह चेंज होने वाली है, मत छोड़ना। कहते प्रोफेसर फिर हम क्या करेंगे, मैंने कहा आप ठान लो अगर हम छोड़ेंगे अपने मकान में ही जाएंगे, मकान आपका बन जाएगा इस वर्ष में। देखिए ग्रहों की चाल को समझिए अगर आपने, पर शनि क्या करवाता है, शनि अरे भाई ग्रह भी तो ऐसे ही है। आप क्या करोगे पता, क्या करोगे आप, करोगे इस कमरे में मेरा मन नहीं लगता, अब दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दोगे, आपकी जगह सोने वाली चेंज होगी, योग खत्म हो जाएगा। देखिए आपका मकान बना नहीं, आपने अपना योग खत्म कर दिया। इसीलिए कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो समझिए, कहीं दूसरे कमरे में सोने को दिल करता है तो मत जाइए, आपकी जगह बनने वाली है तो ग्रह आपकी जगह बनने नहीं देंगे। अगर मेरे पास आए तो मैं बता दूंगा भाई मत करना, आप साथ में ये उपाय करिए, आपके घर खुद बे खुद चल के आएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ भाई, मेरा मकान खाली है, बिक नहीं रहा था, आप मुझे इतने ही पैसे दे दीजिए, धीरे धीरे पैसे देते रहिए, बैंक में लोन भी मेरे मकान का हो रखा है, आप मुझे 50,000 2 लाख 5 लाख दीजिए, मकान रख लीजिए। बंदा अपने गहने गट्टा बेच के मकान बना लेता है, ऐसे बंदों का कम से कम 100 बंदों का मकान बना है ऐसे जो मेरे पास आए हैं। कहते प्रोफेसर साहब कुछ नहीं है पास में, एक बंदा आया मेरे पास, मेरे पास तो कुछ नहीं था, कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे वीज़ा लग गया, पीआर हमारे पूरे परिवार की हो चुकी है, ये घर हम छोड़ रहे हैं, ये घर हमारा 25 लाख का था, इसके ऊपर 20 लाख लोन है, आपको हम 23 लाख में देते हैं, हमें 3 लाख दे दीजिए, हमारे टिकटों का खर्चा बस। वो बेचारा क्या करता है, गहना गट्टा बेच के 3 लाख रुपया इधर उधर से पकड़ के दे देता है, कोठी का मालिक बन जाता है और किस्ते तारनी शुरू कर देता है। देखिए अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो, आपका भी घर बन जाए, तो ग्रहों को मनाना बहुत आसान है भाई। शनिदेव को ठीक कीजिए, शनिदेव क्या करते हैं, मंगल को ठीक कीजिए, भूमि के मालिक, भूमि अगर मंगल ठीक होता तो भूमि बन जाएगी, अगर शनिदेव ठीक हुए तो मकान बन जाएगा। कारोबार के लिए तो मैंने बता ही दिया भाई, बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, अगर कहीं बुध ग्रह खराब है, अगर कहीं बुध ग्रह खराब है तो कारोबार नहीं बनने देंगे कभी भी। क्यों नहीं बनने देंगे, कारोबार सही नहीं करने देंगे। तो बुध क्या होती है, बहन, बुआ, मासी, धी, वहाँ जाके मिठाई का डब्बा दीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। बेसिकली कुंडली देखना इम्पोर्टेंट है ये देखने के लिए कि घर अगर नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा,
कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन से घर में, इसलिए आपका वो मकान नहीं बन रहा। तो कुंडलियों को तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसलिए बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, तो बिजनेस के लिए बुध ग्रह, मकान क्यों नहीं बन रहा, मकान के लिए शनिदेव ग्रह। अरे भाई, मंगल शनि बुध अगर तीनों को वैसे ही आपने ठीक लिया कर लिया तो समझ लीजिए आपका मकान भी बन गया और बिजनेस भी ठीक हो गया। लेकिन कुंडली के मुताबिक आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपको मकान नहीं दिलाने देते, जो आपको बिजनेस नहीं करने देते, जो आपकी प्रॉपर्टी को बनने नहीं देते। कैसे, फिर तो देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली पे कौन सा ग्रह कहाँ पे हो, कहीं ना हो ये ना हो के मंगल बद हो। अरे भाई, मंगल बद बुध के साथ अगर बैठता है तो मंगल बद हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब हो आपकी तो फैक्ट्री जो है वो सही दिशा में बनी नहीं थी, इस वजह से कारोबार जो है वो नष्ट हो गया आपका, या घाटा पड़ गया, या लुधियाना में भी कभी ना कभी किसी ना किसी फैक्ट्री में आग लगती है। पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ है जो आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी। तो बना बनाया कारोबार, कारोबार चला होता है, लेकिन चला चलाया कारोबार जो है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा पूछा पनीत जी आपने। पनीत जी आपने पूछा, जब कभी बना बनाया कारोबार कभी ऐसा होता है तो क्यों होता है? आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कभी गुरु और राहु का मेल होता है तो फैक्ट्री में आग लगती है और सांस की प्रॉब्लम आती है, साथ में मंगल आ जाए तो घर में आग लगती ही लगती है। मंगल राहु और गुरु का मेल हो जाए तो आग लगेगी ही लगेगी। देखिए, कुंडली को जानिए बहुत ढंग से, जब तक जानोगे नहीं पता नहीं चलेगा। जब तक कुंडली में ऐसा योग होता है मंगल गुरु और राहु, तो आग लगेगी ही लगेगी। जैसे कि लुधियाना में आग लगी, 30 से 40 बंदे मर गए। देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना बनाया जब कारोबार, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे हैं, 36 से 42 तक उसने बहुत ज़्यादा ऐश करवाई, ऊपर से आ गई राहु की उम्र 42वें साल, राहु का होता है, ऊपर से राहु की उम्र आ गई, और राहु की उम्र के साथ जब कभी राहु की उम्र आई, ऊपर से आपका राहु देव खराब, गुरु के साथ बैठा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो कारोबार को आग लगेगी ही लगेगी। जब कभी कारोबार ठप होता है तो मान लीजिए 36 से 42 तक आपने बहुत पैसा कमाया, ठप क्यों हुआ? क्योंकि राहु देव आपका 42वें साल में 8th हाउस में बैठा हुआ था, जितना कमाया सब खत्म हो गया। राहु कहीं 12वें घर में बैठा है, जितना कमाया सब खत्म हो गया। कुंडली के मुताबिक पता चलेगा कि आपका कारोबार बहुत बढ़ रहा था, जो कि कुंडली के मुताबिक आपने कुंडली दिखाई नहीं। पहले जब पैसा आता है कारोबार चलता है, हम परवाह नहीं करते, जब कारोबार डूबना शुरू होता है तब भी परवाह नहीं करते, जब बिल्कुल डूब जाता है खत्म हो जाता है तो इंसान सभी मेरे पास तब आते हैं, तब नहीं आते जब डूब रहा होता है, तब आते जब खत्म हो जाता है। प्रोफेसर साहब, हमारा ये फैक्ट्री बंद होगी, ये हो गया ये हो गया, मैंने कहा पहले क्या कर रहे थे, पहले कहाँ थे, क्यों नहीं आए, हमको अभी भी पता चला। चलो जी, इस बात का जवाब ही नहीं है मेरे पास कि आपको अभी अभी पता चला। कुंडली के मुताबिक देखिए कि आपकी कुंडली के मुताबिक कि ग्रह कहाँ पे हैं, अगर उसको देखोगे नहीं, ठीक नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आपकी कुंडलियाँ दिखाइए, चाहे मेरे पास नहीं किसी के पास भी जाइए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ताकि आपका घर और कारोबार बन सके। तो प्रोफेसर साहब, आज तो हमने, यानी आपने प्रोग्राम के शुरू में ही उपाय बता दिए थे, तो अंत आते आते आपको पूरी बात समझ में आ गई कि कारोबार जो है वो कैसे चलाना है और प्रॉपर्टी जो है वो कैसे बनानी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस से अटैच हैं। क्योंकि अगर कारोबार सही से नहीं चलेगा तो प्रॉपर्टी का हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो उसको बेच के कारोबार ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन पहले वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कारोबार से, पैसे से आगे पैसा बनता जाता है। और हम यही चाहते हैं कि आप सभी का कारोबार जो है वो अच्छा चले और फिर उससे ढेर सारी प्रॉपर्टी भी बने, हम सभी यही चाहते हैं। तो अगर आप भी मन में ये कामना लिए हुए बैठे हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो
आपकी भी प्रॉपर्टी जो है, जो आप हमेशा उलझनों में फंसे हुए हैं कि घर नहीं बनता, मकान नहीं बनता, दफ्तर नहीं बनता, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं, तो समाधान तो होगा ही। तो आप अपना बहुत ध्यान रखा कीजिए और हमेशा यही समझिए कि ये कोई कारोबार नहीं है, ये आपका अपना परिवार है। धन्यवाद।